हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा, NIOS, जो कि पूरी तरह गवर्नमेंट एजुकेशनल बोर्ड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग बोर्ड है इंडिया का, सरकारी संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में यह संस्था आती है। सो इसके द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जैसा कि अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर है यानी कि स्टेनो है, असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, और भी कई पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो कि हम आपको अपनी इसी वीडियो में आगे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शिक्षक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा, और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो विभिन्न जानकारियां आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। सो सबसे पहले आपको ले जाते हैं इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS द्वारा। लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड है ये। इंडिकेटिव वैकेंसीज नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, NIOS invites online application from eligible candidates for the following posts। आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये जारी किया गया है, ऑनलाइन को अप्लाई करना है सभी इन पोस्ट्स के लिए। जो पहली पोस्ट है, डायरेक्टर इवेल्यूशन की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जो कि ग्रुप ए के अंतर्गत आती हैं, और इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपकी 123,100 से लेकर 215,900 रुपये पर मंथ की रहेगी, प्लस अलाउंसेज भी आपको इसमें मुहैया करवाए जाएंगे, और जो सैलरी आपके अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस भी बढ़ती रहेगी। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी UR के लिए, यानी कि कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो UR के लिए जारी की गई है, जनरल कैटेगरी के लिए। जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है ये। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है जॉइंट डायरेक्टर मीडिया में। इसमें लेवल 13 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि सेम ही आपको सैलरी दी जाएगी, 1,23,100 से लेकर 215,900 रुपये पर मंथ की। इसमें भी एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी UR के लिए, यानी कि सामान्य जाति के लिए। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो रहेगी ये सीधी भर्ती है, पूरी तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स में। इसमें सैलरी आपको लेवल 12 के अंतर्गत दी जाएगी, और सेवन्थ पे कमीशन में इसमें 78,800 से लेकर 209,200 रुपये आपकी पर मंथ की सैलरी रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे, जो भी केंद्रीय कर्मचारी को दिए जाते हैं वो भी आपको इसमें दिए जाएंगे, जैसा कि डेयरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, और भी बेसिक अलाउंसेस आपको इसमें मुहैया करवाए जाएंगे, और यह सैलरी आपकी अकॉर्डिंग टू प्रमोशंस भी आगे बढ़ती रहेगी। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे नॉट अलाउड है, बताया नहीं गया है, पर एक ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है ये, पूरी तरह से डेपुटेशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की। इसमें कुल दो ही वैकेंसी जारी की गई हैं, नंबर ऑफ पोस्टिस है जो। इसमें आपको पे स्केल इन द पे मैट्रिक्स जो आपको दी जाएगी वो लेवल 11 के अंतर्गत आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, जो कि 67,700 से लेकर 208,700 रुपये पर मंथ की आपकी रहेगी, जो कि आगे भी आपकी प्रमोशंस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, सीधी भर्ती है पूरी तरह से। इसमें कुल दो ही वैकेंसी जारी की गई हैं, और जो कैटेगरी वाइज हम देखें उसे तो एक UR की है और एक ABC की है, यानी कि अनरिजर्व्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनके लिए है, जनरल और OBC के लिए। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें पे मैट्रिक्स जो है आपको लेवल 11 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी, यानी कि सेम ही 67,700 से लेकर 208,700 रुपये, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी।
इसमें नंबर ऑफ पोस्टिस एक ही है, एक ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डेपुटेशन रहेगा जी, और रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज है जो नॉट अलाउड है, बताई नहीं गई किस कैटेगरी में ये रहेगी। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि एकेडमिक ऑफिसर की। इसमें लेवल 10 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ की रहेगी। इसमें कुल 17 यानी कि 17 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती रहेगी पूरी तरह से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कैटेगरी वाइज जो रहेगी इसमें यूआर की यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनकी 2 हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनकी 5 है, एससी शेड्यूल्ड कास्ट से जो आते हैं उनकी 2 हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी से जो आते हैं उनकी 1 है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि लास्ट वैकेंसी है ग्रुप ए की। इसमें रिसर्च एंड इवेल्यूशन ऑफिसर की है। इसमें आपको लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ की रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। उसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है कुल, और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है पूरी तरह से। जो एक वैकेंसी जारी की गई है वो रिजर्वेशन कैटेगरीज में अगर देखें तो वो यूआर की है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यानी कि सामान्य जाति की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि ग्रुप बी की, बी में आती हैं। अब ग्रुप बी में जो नंबर 8 से स्टार्ट है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है इसमें। इसमें लेवल 7 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ की। इसमें कुल 7 ही वैकेंसी जारी की गई हैं। जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है सीधी भर्ती है, डायरेक्ट वैकेंसी है पूरी तरह से ये। सो इसमें जो 7 वैकेंसी जारी की गई हैं वो उसमें से यूआर की यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनकी 1 है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनकी 2 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में। इसमें लेवल 7 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ की रहेगी, और इसमें कुल 1 ही वैकेंसी जारी की गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है पूरी तरह से। इसमें आपको जो 1 ही वैकेंसी जारी की गई है वो अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है हिंदी ऑफिसर की। इसमें भी आप लेवल 7 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ की आपके वेतन दिया जाएगा। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है वो भी यूआर के लिए यानी कि सामान्य जाति के लिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है ये, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। इसमें लेवल 7 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, और इसमें आपको सैलरी जो रहेगी आपकी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ की रहेगी। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है वो भी नॉट अलाउड है, बताया नहीं गया है, पर एक ही वैकेंसी इसमें जारी की गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है डेपुटेशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि ईडीपी। इसमें आपको लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रहेगी, और इसमें कुल 37 यानी कि 37 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जो कि कैटेगरी वाइज रहेंगी। यूआर के अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति के 18 हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनकी 11 हैं, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से जो आते हैं उनकी 2 हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी से जो आते हैं उनकी 1 है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है जो पूरी तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिशियल में। इसमें आपके लेवल 6 के अंतर्गत आपको इसमें सैलरी दी जाएगी यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रहेगी, जो कि जिसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है वो भी यूआर के लिए यानी कि सामान्य जाति के लिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ये पूरी तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है जे। आगे बढ़ता है ग्रुप सी की पोस्टिस के लिए, जो कि है पहली पोस्ट है 14 नंबर पर, जो कि असिस्टेंट की। इसमें आपको लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ की आपको वेतन दिया जाएगा, जो कि आगे भी आपका प्रमोशंस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे सभी पोस्टेस के लिए जो भी हम आपको बता रहे हैं। अलाउंसेस जैसा कि डेयरनेस अलाउंसेस डीए, हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टीए, मेडिकल अलाउंसेस आपको इसमें मुहैया करवाए जाएंगे छोटे मोटे, और बेसिक अलाउंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय को यानी कि केंद्रीय कर्मचारी को।
और जो इसमें कुल चार ही वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें से EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो आने वाले अभ्यर्थी उनके लिए एक है, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दो हैं, ST यानी कि शेड्यूल ट्रिप्स के लिए एक है। जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि स्टेनोग्राफर की। इसमें लेवल 4 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी 7th पे कमीशन में, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ की रहेगी, प्लस अलाउंसेस, और जो सैलरी आपकी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस प्रमोशन से बढ़ती रहेगी। इसमें कुछ 3 ही वैकेंसी जारी की गई हैं, जो जिसमें से UR की 2 हैं, ST के 1 है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है या पूरी तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि जूनियर असिस्टेंट की। इसमें लेवल 2 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि रहेगी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ की रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंस और प्रमोशंस की सैलरी बढ़ती रहेगी। इसमें कुल 36 वैकेंसी इस पोस्ट पर जारी की गई है, वैकेंसी काफ़ी जारी की गई इस पोस्ट पर। और जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है पूरी तरह से, और जिसमें से UR की 18 हैं, AWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनकी 4 हैं, और OBC जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनकी 8 हैं, SC से यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं उनकी 5 हैं, शेड्यूल ट्रिप से जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी 1 है। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट NIOS वेबसाइट www.nios.ac.in। एप्लीकेशन कैन बी अपलोडेड अप टू 20 अक्टूबर 2021 टिल 11:59 PM। अगर आपको और भी विस्तारपूर्वक जानकारियां चाहिए, कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है, सिलेबस रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा www.nios.ac.in पे जाके। और अगर आपको अप्लाई कब तक कर सकते हो, लास्ट डेट है इसकी 10 अक्टूबर रात 11:59 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सो दोस्तों, बहुत ही कम टाइम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करना। बहुत से अभ्यर्थी जो होते हैं लास्ट डेट वाले दिन अप्लाई करते हैं, फिर साइट बिजी आ जाती है, फिर बहुत से अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जो कि हम आपको आगे विस्तारपूर्वक बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। आगे आपको बताते हैं विस्तारपूर्वक इनकी शैक्षिक योग्यताएँ के बारे में और भी विभिन्न प्रकार की योग्यताएँ के बारे में और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने दे रखा है NIOS/RC/01/2021। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इवैल्यूएशन, जो पहली पोस्ट है डायरेक्टर इवैल्यूएशन की, इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई वो आपको स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एज लिमिट है इसमें जो 52 ईयर्स तक, यानी कि 52 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो आपके पास एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, यानी कि इसमें आपके पास सेकंड क्लास बैच मास्टर डिग्री इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए मांगी गई है न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और साथ ही आपके पास 10 साल का इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है जॉइंट डायरेक्टर मीडिया की पोस्ट है। इसमें आपकी एज लिमिट है वो 47 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और साथ ही आपके पास इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर, जो कि है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स की पोस्ट पे। इसमें स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट है जो ग्रुप ए के अंदर में आती है जे, और जो इसमें एज लिमिट है वो नोट एक्सचेंजिंग 56 ईयर्स, यानी कि 56 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 56 साल से जो अधिक आयु के अभ्यर्थी हैं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल जो और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो आपके पास न्यूनतम, ये एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट है, इसमें ऑलरेडी जो कर्मचारी है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि इतनी सैलरी पे काम कर चुके हैं 56,100 रुपये तक की सैलरी पर। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर। इसमें स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एज लिमिट है जो इसमें बिलो 37 ईयर्स, यानी कि बिलो का मतलब नीचे, यानी कि 37 साल तक के अभ्यर्थी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया वो एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री, यानी कि न्यूनतम सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इसमें होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स आर्ट्स या फिर साइंस में। इसमें खाली आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है शैक्षिक योग्यता में, साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड से रिलेटेड, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है इसमें स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एज लिमिट है जो 56 ईयर तक है, नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी कि 56 साल तक के अभ्यर्थी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग यानी कि 56 साल से ज़्यादा के लिए इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, 56 साल से ज़्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। सो जो कि एजुकेशनल और एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो आपके पास सेंट्रल अकाउंट्स पर्सन फ्रॉम वेरियस सेंट्रल अकाउंट्स ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन एनालॉजस पोस्ट इन रेगुलर सर्विस एंड स्केल ऑफ पे लेवल 10, यानी कि इसमें पहले काम कर चुके हो आप इसके सेंट्रल अकाउंट्स और या फिर ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट पर, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जो कि जिसमें कि आप सैलरी अकॉर्डिंग टू 1,70,000 तक आप ले रहे हो पर मंथ की, फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। जो ग्रुप ए की पोस्टेस हैं सभी ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन की पोस्टेस हैं, आगे आपको फ्रेशर्स की पोस्टेस हम बताएंगे ग्रुप सी में जो आएंगी और ग्रुप बी में आएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है एकेडमिक ऑफिसर डिफेंस स्टडीज़ की पोस्ट पर। इसमें नंबर ऑफ पोस्टेस एक ही जारी की गई जो कि हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी, इसमें एज लिमिट है वो 37 ईयर तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए डिफेंस स्टडीज़ में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 55% अंकों के साथ, साथ ही आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश और हिंदी की। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया पर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है एकेडमिक ऑफिसर इंग्लिश में। इसमें कुल लिमिट है जो 37 ईयर तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सेम ही है, इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा और या फिर वो किसी भी स्ट्रीम में हो आपके पास, कॉमर्स आर्ट्स या फिर साइंस में, न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपके पास होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस की, वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश में आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि है एकेडमिक ऑफिसर फाइन आर्ट्स की पोस्ट पर। इसमें आपके एज लिमिट है वो 37 ईयर तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स की पोस्ट पर, यानी कि फाइन आर्ट्स की स्ट्रीम में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, साथ ही आपके पास इसमें वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की और वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी की। इसमें भी कोई कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि एकेडमिक ऑफिसर लिंग्विस्टिक्स की पोस्ट पर। इसमें आपको एज लिमिट है वो 37 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल और एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की पोस्ट पर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, साथ ही आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, साथ ही आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, एकेडमिक ऑफिसर मास कम्युनिकेशन में है। इसमें आपको सैलरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कितनी रहने वाली है, एज लिमिट हम आपको बता दें 37 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपके पास न्यूनतम मास्टर डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में या फिर जर्नलिज्म में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में न्यूनतम 55% अंकों के साथ, चाहे वो इंडिया की हो या फिर अब्रॉड की हो, 55% अंकों के साथ न्यूनतम। इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है। इसमें भी वर्किंग नॉलेज आपके पास इन कंप्यूटर ऑपरेशंस की होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर, एकेडमिक ऑफिसर है फिजियोलॉजी में। इसमें आपको
सैलरी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितने रहने वाली बता चुके हैं, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट बता चुके हैं, कैटेगरी वाइज बता चुके हैं, एज जो है इसमें बिलो 37 ईयर्स तक के, यानी कि 37 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल और एक एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है, मास्टर डिग्री चाहिए आपके पास फिजियोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, साथ ही आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस की, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी की। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, पर आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और इंग्लिश और हिंदी में आपको काम करने की इसमें नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत में। इसमें आपको स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नंबर ऑफ पोस्ट बता चुके हैं, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट बता चुके हैं, कैटेगरी वाइज बता चुके हैं, एज जो इसमें बिलो 37 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास संस्कृत की फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस की, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की ओर, शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि एकेडमिक ऑफिसर साइंस में। इसमें आपको स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एज लिमिट है वो बिलो 37 ईयर्स तक के। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो आपके पास न्यूनतम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे फिजिक्स में हो या फिर केमिस्ट्री में हो या फिर बोटोनी में हो या फिर जूलॉजी में हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपके पास होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी की। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एकेडमिक ऑफिसर सोशल साइंस में। इसमें भी आपको सेम ही स्केल ऑफ पे आपको ऑलरेडी, और जो एज लिमिट है बिलो 37 ईयर्स तक के है। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में या फिर पॉलिटिकल साइंस में या फिर इकोनॉमिक्स में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर, एकेडमिक ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन में इसमें मांगी गई है। इसमें नंबर ऑफ पोस्टेस आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, स्केल ऑफ पे हम बता चुके हैं, सब कैटेगरी वाइज भी बता चुके हैं आपको। एज जो इसमें बिलो 37 ईयर्स तक के, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशनल की फील्ड में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए डिसिप्लिन विद एमएड स्पेशल एजुकेशन में, और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ हो। सो दोनों में से कोई एक आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी अनिवार्य है, कंपलसरी है। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है एकेडमिक ऑफिसर योगा की फील्ड में। इसमें आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं स्केल ऑफ पे और नंबर ऑफ पोस्ट सब कुछ, और इसमें एज लिमिट है बिलो 37 ईयर्स तक के। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया, मास्टर डिग्री होनी चाहिए योगा की फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर, एकेडमिक ऑफिसर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की पोस्ट पर। इसमें आपको एज लिमिट है वो स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एज लिमिट है वो बिलो 37 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो कॉमर्स आर्ट्स या फिर साइंस में, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, पर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी में। इसमें आपको स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एज लिमिट है जो बिलो 37 ईयर्स तक के है। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम किसी 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, नॉलेज वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस के, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि एकेडमिक ऑफिसर एग्रीकल्चर में।
इसमें आपके एज लिमिट हो बिलो 37 ईयर्स तक के यानी कि 37 साल तक के अभ्यर्थी ही इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शिक्षक योग्यता की ओर, जो कि एकेडमिक ऑफिसर पैरामेडिकल कोर्सेज की। इसमें एक के लिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एज लिमिट है बिलो 37 ईयर्स तक के अभ्यर्थी हैं। इसमें जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि एकेडमिक ऑफिसर ICT में। इसमें स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एज लिमिट है वो बिलो 37 ईयर्स तक के है। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, चाहे वो कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस किसी भी स्ट्रीम में हो। इसमें आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, रिक्रूटमेंट रोल्स फॉर द सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर। इसमें आपको स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कि क्लासिफिकेशन पोस्ट ग्रुप बी में आती हैं अब। और अब बताते हैं आपको ग्रुप बी की पोस्ट्स के लिए। इसमें एजुकेशनल और एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो आपके पास सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। न्यूनतम आपके पास इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर। इसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट्स हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी, स्केल ऑफ पे बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन बता चुके हैं, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बता चुके हैं, वेदर सिलेक्शन और नो सिलेक्शन बता चुके हैं आपको, और जो एज लिमिट है इसमें 30 इयर्स तक है यानी कि 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें आयु में छूट दी जाएगी। और जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा गया है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट द्वारा, न्यूनतम 3 साल का आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओर, जो कि है रिक्रूटमेंट रोल्स फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर की। इसमें स्केल ऑफ पे बता चुके हैं एज जो है वो 37 ईयर्स यानी कि 37 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो आपके पास एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इसमें होनी चाहिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में, विद एज इंग्लिश / हिंदी एज मेन सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। और इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड वाइस वर्जा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। 5 साल का न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में, और नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की। इसमें बेसिक नॉलेज मांगी गई है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है। इसमें आपको स्केल ऑफ पे हम बता चुके हैं ऑलरेडी, एज लिमिट है जो नॉट एक्सेडिंग 56 ईयर्स यानी कि 56 ईयर्स तक के अभ्यर्थी ही इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है वो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स ऑडिट की पोस्ट पर, यानी कि इसमें आपके पास अकाउंट्स और ऑडिट की पोस्ट पर न्यूनतम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओर, जो कि है ईडी पोस्ट ऑफ ADP ऑफ सुपरवाइजर की है। इसमें एज लिमिट है वो 37 ईयर्स तक की एज लिमिट है इसमें, और एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिसमें मांगा गया है वो आपके पास मास्टर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ ही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में, किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा, साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में, जिसमें कि आपको स्केल ऑफ पे बता चुके हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ पोस्ट्स बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन बता चुके हैं, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बता चुके हैं, और जो एज लिमिट इसमें रहने वाली है वो 30 इयर्स तक है यानी कि 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन आपको इसमें एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें आयु में छूट दे दी जाएगी।
इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सो दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट द्वारा, या फिर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही आपके पास 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट की पोस्ट पर, सहायक की पोस्ट पर। स्केल ऑफ पे हम बता चुके हैं ऑलरेडी, एज लिमिट है वो 27 ईयर्स तक की है, यानी कि आयु सीमा इसमें 27 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ग्रुप सी में आती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है वो आपके पास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि इसमें +2 ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि 12वीं पास इसमें शिक्षक योग्यता मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आपके पास होनी चाहिए, और वर्किंग ऑफ ऑन कंप्यूटर विद स्पीड ऑफ नोट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर हॉर। आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जो कि स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन की पर हॉर की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, पर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग से रिलेटेड और बेसिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको इंग्लिश एंड हिंदी में काम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट है वो 27 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है वो आपके पास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा सेक्रेटरी प्रैक्टिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए आपके SP में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के में, आपके पास न्यूनतम डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। स्पीड आपके पास होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में इंग्लिश और हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट की, और विद कंप्यूटर स्पीड जो आपकी होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर हॉर की होनी चाहिए। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बेसिक कंप्यूटर आपको नॉलेज इसमें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें स्केल ऑफ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एज है जो इसमें 27 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया वो आपके पास न्यूनतम सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। वर्किंग आपको होनी चाहिए नॉलेज कंप्यूटर में विद स्पीड नॉट लेस देन 6000 की डिप्रेशन पर हॉर की स्पीड आपके कंप्यूटर में वर्किंग होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको इंग्लिश और हिंदी में, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में काम करने की आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है पूरी तरह से सभी के सभी, जो इसमें आपको सिलेक्शन रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मींस ओपन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरव्यू। सो हाउएवर द सिलेक्शन मे बी ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन टेस्ट स्केल टेस्ट एंड और इंटरव्यू एज मे डिसाइडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ये पूरी तरह से सीधी भर्ती है। इसमें जो चयन होगा वो आपका सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के आधार पे होगा, यानी कि इंटरव्यू बेस पे होगा। हाउएवर पर सिलेक्शन एज मे बी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका रिटन टेस्ट और स्केल टेस्ट के आधार पे भी आपका इसमें चयन करवा सकते हैं। जो रिटन और स्केल टेस्ट होगा वो आपका डिटेल्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्केल टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ओपन रिक्रूटमेंट फॉर प्रपोर्शन फॉर और प्रमोशन टू वेरियस पोस्टेज इन द NIOS विल बी स्पेसिफाइड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सो आपको इसमें सिलेबस से रिलेटेड और भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, ताकि कोई भी अगर नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आगे बताते हैं आपको कैसे इस पोस्ट के इन विभिन्न पदों की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। तो दोनों ही लिंक हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का यानी कि विज्ञापन का, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे यानी कि विज्ञापन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा वो लिंक आपको सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे आप जाके सीधे डायरेक्टली उस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके विस्तारपूर्वक देखें, फिर आप इसके लिए आवेदन करें। और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाओगे, जहां पे आप जाके डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही उसके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।